वीर जवान फाउंडेशन ने आज शाम नई मुंबई में कारगिल विजय दिवस मनाया। वाशी में आयोजित राष्ट्रभक्ति से भरपूर और संगीतमय कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 13 वीर शहीदों के परिजनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय नाहटा और संगीतकार शंकर महादेवन के साथ ही विजय चौगले और अनिल कौशिक खास तौर पर मौजूद थे। यहाँ कारगिल के शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस आज नई मुंबई में राष्ट्रभक्ति के जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। वीर जवान फाउंडेशन द्वारा वाशी में आयोजित इस कार्यक्रम में उप नेता विजय नाहटा और गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने कारगिल के 13 शहीद जवानों के परिजनों को 50,000 की सांत्वना राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही यहाँ कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। संगीतकार शंकर महादेवन ने जब शहीदों की याद में यहाँ नगमा छेड़ा तो पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया और सबकी आंखें नम हो गई। विजय दिवस कार्यक्रम को शहीद जवानों और उनके परिजनों के लिए यादगार और मददगार बताते हुए संगीतकार शंकर महादेवन और उपनेता विजय नाहटा ने वीर जवान फाउंडेशन और टीम सुरेश काकड़े की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हवाले से भरोसा दिलाया कि वे शहीदों के परिजनों और बच्चों की सहायता के लिए अधिक से अधिक मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। ये जब विजय दिवस पहली बार कारगिल में हुआ था तब भी मैं वहाँ मौजूद था जहाँ पर उन्होंने हमारे तिरंगा वहाँ पर लहराया था कारगिल में, और उसके बाद आज जो हम लोगों ने देखा, महसूस किया, और जिन लोग हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, हमारे लिए उनके परिवारों को देख के मेरे भावना, मतलब कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो वीर जवान फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और उनका जो काम है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनके परिवारों को संभाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। एंड बस यही कहेंगे कि मॉरली, फिजिकली, इमोशनली हम उनके साथ हैं, और जब भी वो मुझे बुलाएंगे किसी भी कारण, कहीं पर भी, कोई भी गाना गाना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, कुछ हो, मैं हाजिर रहूँगा। या देशासाठी ज्या जवानांनी, तरुण मुलांनी सेनेवर लढून आपले प्राण दिले, त्यांच्या कुटुंबियांना एकटं वाटू नये किंवा कुणीतरी आपल्यासाठी काहीच करत नाही अशी भावना त्यांच्या मनात येऊ नये म्हणूनसाठी त्यांना या ठिकाणी बोलावून प्रत्येक कुटुंबाला 50,000 रुपयाची राशी आपण या ठिकाणी दिली आणि त्यांचा सत्कार केला। या कार्यक्रमामध्ये माझे मित्र महान संगीतकार शंकर महादेवन साहेब आले, त्यांनी खूप वेळ दिला आणि देशभक्तीपर गीतं गायली, जवानांच्या फॅमिलीला, त्यांच्या कुटुंबियाला आधार मिळेल अशी गाणी गायली, आणि खूप हजारोच्या संख्येने लोक या ठिकाणी शहरातले आले, त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। आणि आपण नेहमी आपल्या मनामध्ये जे लोक या देशाचं संरक्षण करतात, देशासाठी धारातीर्थी पडतात, त्यांच्याप्रती आपली जबाबदारी आपल्या मनामध्ये ठेवून आपापल्या कुवतीप्रमाणे त्यांना मदत करावी अशा प्रकारचं आवाहन करतो। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।